साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों, इनका नाम है जुंजाराम पुत्र रेखाराम, जाति जाट है, निवासी जालीपा आगोर, ग्राम पंचायत चूली है। साथियों, ये आदमी पिछले कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं। इन्होंने तहसीलदार, पटवारी और अराई, इन तीनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और क्या आरोप लगाए हैं वो आप जुंजाराम से सुनिए। धन्यवाद। जुंजाराम जी, क्या मामला है? कितने दिन से आप चक्कर काट रहे हो? क्या हुआ आपके साथ? सर, हम चक्कर काट रहे हैं, कम से कम मेरे को 6-7 महीने हो गया है। वो क्या, पहले हमारे पटवारी थे ओमाराम विष्णु जी और तहसीलदार है पेमाराम जी, और हमारे कोई ज़मीन बंटवारा करने की बात थी। तब हमने बोला भाई पटवारी और तहसीलदार उधर आए थे, पर हमारे को किसी कोई मौके पे नहीं बुलाया गया था। ठीक है, तब एक ऑर्मी फॉर पथाराम के कहने से पटवारी साहब ओबाराम विष्णु ने उनके मन मर्जी से मौका रिपोर्ट बनाई। तब मैंने, मेरे को पता चला, तब मैं बोर्ड में आके पूरे कागज जांच की। जांच करने के बाद में मैं देखे, मैं बोर्ड के अंदर स्टे लिया है भाई, ये हमारे को मौका रिपोर्ट दोबारी जांच की जाए, ये हमारे को मौका रिपोर्ट मंजूर नहीं है। गलत हमारे से गलत फैसला हुआ है, इसलिए मैंने वो तहसीलदार को सबको बोला, तहसीलदार कोई हमारी कार्रवाई सुनाई नहीं कर रहे जा रहे हैं। तब हमने स्टे लिया, स्टे के अंदर ज़मीन के अंदर कोई अपन पानी का टाँका है, मकान है, कोई नहीं बना सकते हैं, तो उसमें नियम पालना नहीं कर रहे हैं पोखराम जी, और वो बना रहे ज़बरदस्ती। और वो बोले मैं तहसीलदार से, मेरे भाई है तहसीलदार, बोले कि वैसे करूँगा। तहसीलदार कर सीआई गए थे सेनाराम जी, मुंशी साहब ग्रामीण थाने से उनसे बात करवाया। तहसीलदार ने बोला इनको मकान बनाना दिया जाए। तो भाई हमारे ये कोर्ट ने मेरे को फैसला दिया है कि भाई आपका स्टे आधार है, तो उनका नियम पालना पटवारी साहब कैसे तोड़ा जा रहा है तहसीलदार? अब ये जवाब क्या दे रहे हैं आपको? मेरे को कोई जवाब नहीं है कि आप ये, आप स्टे लगाए, आपका स्टे खारिज हो जाएगा। तो मैंने बोला भाई स्टे मेरा खारिज होगा तब देखा जाएगा। तो आप उधर सुप्रीम कोर्ट जाओगे क्या? मैं हाँ बिल्कुल जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट, मेरे को न्याय मिलना चाहिए, मैं नियम के आधार से चलूंगा। ये कितने जने हैं जो सामने वाली पार्टी के? और सामने 11 हमारे यहाँ खातेदार है, 11 जने, 11 में से एक भी मौके पे नहीं थे, मौका रिपोर्ट बनाया तब एक भी मौके पे नहीं थे, अकेले पुरखाराम ही थे। और उसने पटवारी ने और जो मौके पे आए थे उन्होंने रिश्वत लेके उनके तरफ मामला करवा दिया गया। तब ये पटवारी ऐसे कर रहे, तो कल हमारा जमीन भी है वो तो पटवारी साहब ऐसे करके उनके नाम के कर देगा, तो हमारे को न्याय तो मिलना चाहिए। तो ये आपने पुलिस थाना में, कौन सा थाना लगता है आपके? हमारा ग्रामीण थाना। तो ग्रामीण थाना में आपने रिपोर्ट नहीं दी? मैंने दी है। हाँ, मैंने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, उसका मेरा कार्रवाई की जाए। ग्रामीण थाने वाले क्या जवाब दे रहे हैं? ग्रामीण थाने ने वो कल मौके पे आया था रिपोर्ट पे जांच करने के लिए, तब उन्होंने मना किया। वो पुरखाराम ने तहसीलदार से बात करवाया था प्रेम जी से, क्या भाई इनका मकान बनाया जाए। तब वो सेनाराम बोले मेरे को तहसीलदार ने ये आदेश दिया है क्या बनाना चाहिए। मैं भाई ठीक है, मैं तहसीलदार ने ये आदेश दिया, जो तहसीलदार ने रिश्वत दिया तब ये बात कर रहे हैं पुरखाराम की तरफ, मेरी तरफ क्यों नहीं कर रहे तहसीलदार साहब? पुरखाराम कौन है? पुरखाराम सुनो आसाराम है। कौन है ये? जाति जाट ही है, हमारे भाई है पीढ़ी में। जमीन कितनी है? जमीन है हमारा लगभग हो जाएगा करीब से करीब, ये सब कागज मुझे क्यों? 145 बीघा 13 बिस्वा, 145 बीघा 13 बिस्वा टोटल जमीन है। ठीक।